विरेश, ये बड़े तीखे हमले थे असदुद्दीन ओवैसी के। देखिए, जो ओवैसी की शैली है वो तीखा हमलावर रहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर वो बात 30 मिनट की बात 3 मिनट में कह देते हैं, और ये कहा जाता है कि उतना मुखर वक्ता पूरे पार्लियामेंट के अंदर कोई नहीं है। वो अपनी बातों को रखते हैं, बड़ी मजबूती से रखते हैं, इसीलिए जो अपनी वो पार्टी चला रहे हैं उसका अकलियत के बीच में, अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में उसकी बहुत ज़्यादा पहचान भी है। तभी तो वो बिहार में विधायक बनाते हैं, कभी वो महाराष्ट्र में MP और MLA बना रहे हैं, साथ उत्तर प्रदेश में लड़कर लोगों को हरा रहे हैं, जिता रहे हैं, इसलिए आवाज़ उनकी बड़ी तल्ख है। और साथ ही बैरिस्टर रहे हैं, विदेश से पढ़े हैं, इसलिए जानकारी उनके पास बहुत रहती है कानून की, और राजनैतिक रूप से भी बहुत ही प्रखर वक्ता हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जो हमलावर रुख अख्तियार किया है मीडिया को, हम सबको उन्होंने गिद्ध कहा है। गिद्ध कहा है कि जो स्टूडियो में लोग बैठे हैं वो वल्चर हैं, गिद्ध हैं, और गिद्ध दृष्टि से हम देख रहे थे कि आखिर क्या आ रहा है। वो चूंकि सॉफ्ट टारगेट मीडिया है, इसलिए सभी लोग जो मिलता है कहा जाता है कि वही अपना हमला करता है। और लेकिन उन्होंने जो कानूनी बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे इसकी, सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने आस्था व्यक्त की है, हाई कोर्ट का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के यूपी के अधिकारियों पर अविश्वास व्यक्त किया है, यूपी सरकार पर अविश्वास व्यक्त किया है। हमलावर होते हुए उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता दें। इसी बीच में एक बड़ी अपडेट आ रही है, फिर बात करते हैं इस पर। बड़ी अपडेट पहले दर्शकों को दे दें कि अतीक की तरह डॉन बनना चाहते हैं हत्या के आरोपी, ये बात भी उन्होंने पूछताछ में कही है। वो तीन आरोपी जो कि अतीक और अशरफ की कल रात उन्होंने हत्या की, जब उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है तो वो ये कहते हैं कि वो अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते थे। डॉन बनने के फेर में उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। बड़ी खबर ये बात भी कह रहे हैं, अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। हत्या के आरोपी तीनों हमलावरों ने पुलिस को झूठी जानकारी दी थी। कुछ हमलावर पहले भी जेल जा चुके हैं, यह भी बात निकलकर सामने आ रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण, कुछ हमलावरों के खिलाफ केस भी दर्ज है। हमलावरों ने बताया था कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ पहले से केस दर्ज है। यह बड़ी खबर। ये जो तीन हमलावर कल उन्होंने फायरिंग की अतीक और अशरफ पर, हत्या की, वो पहले भी जेल जा चुके हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो और ज्यादा डिटेल्स देंगे कि ये बात कैसे निकलकर सामने आई पूछताछ में, और इससे जुड़ी क्या जानकारी उनके पास है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो चला है। अभी अभी असदुद्दीन ओवैसी मोइन कह रहे थे कि ये प्रोफेशनल किलर्स हैं, उनके गोली चलाने के तरीके से लगता है उनके हाथ हिले नहीं, उन्होंने ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स का इस्तेमाल किया, कई राउंड फायरिंग की, तो वो प्रोफेशनल किलर्स हैं। और अब ये बात सामने आ रही है, हमारे दर्शकों को बताएं क्या जानकारी मिल रही है आपके पास। जिस तरीके की बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही है, ठीक उसी तरीके का जो शूटर्स थे उनका अंदाज भी हमने रात को देखा था, जो लाइव वीडियो सामने आया था कि जो तीनों हमलावर थे ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे, और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उनके हाथ कतई नहीं कांप रहे थे और वो मरने मारने पर एकदम आमादा थे। उनकी तरफ से पहले यह दावा किया गया था कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, अभी तक वो कभी जेल नहीं गई हुई है, लेकिन जब इसका क्रॉस वेरिफिकेशन कराया गया है तो अब ये बात सामने आ रही है कि इनमें से कुछ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, वो जेल भी जा चुके हैं, लूट के मामले में जेल जा चुके हैं, और वो डॉन बनना चाहते थे। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने ये कबूल किया है कि वो डॉन बनना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने ये हत्या की है। वो अतीक और अशरफ की तरह बनना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है। और हत्या की वारदात को अंजाम देने के पहले ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि जब वो गोलियां चलाएंगे, ताबड़तोड़ फायरिंग करेंगे, तो वो खुद को पुलिस के हवाले कर देंगे, वो कतई भागने की कोशिश नहीं करेंगे। और हमने साफ तौर पर यही देखा भी कि उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, गोलियां बरसाई, और गोलियां बरसाने के बाद वो वहीं पर रुके रहे। वो चाहते थे कि पुलिस उनको पकड़ ले, उन्हें गिरफ्तार कर ले। तो जो कातिल हैं उनकी तरफ से जो आरोपी हैं, जिनको फूड CCTV और बाकी चीज़ों में जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं, लाइव वीडियो जिनके सामने आए हैं, उनको लेकर ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस से जो पूछताछ हुई है, पहले तो वो पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन बाद में उनकी तरफ से ये दावा किया गया है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि उनके खिलाफ कुछ मुकदमे दर्ज थे, और जो तीन हमलावर हैं उनमें से कुछ लोग जेल भी गए हुए थे, और उनका मकसद ही यही था कि वो अतीक और अशरफ की इस तरह से
सनसनीखेज तरीके से हत्या करके डॉन बनना चाहते थे, अतीक और अशरफ की तरह बनना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये पहले से तय कर लिया था कि वो वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से कतई नहीं भागेंगे और यही वजह है कि उन्होंने भागने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने अपनी बाइक को जो हॉस्पिटल का कैंपस है वहीं खड़ा किया और तीनों में से आपने देखा होगा कि किसी भी हमलावर ने ना तो किसी मीडियाकर्मी को चोट पहुंचाई, ना जो पुलिस के लोग थे उन पर फायरिंग करने, उन पर हमला करने की कोशिश की। तो उनका साफ मकसद था कि हमें डॉन बनना है, इस मामले से, इस केस से पहचान बढ़ानी है और इसी वजह से हमने वारदात को अंजाम दिया है। इस तरीके के दावे, इस तरीके की बात, ये पता चल पाया है कि इससे पहले जो लोग जेल गए थे इन तीनों में से वो किस मामले में गए थे, कब गए थे मोइन, क्या इस बारे में कोई जानकारी? आप जो हमलावर पकड़े गए हैं वो लगातार अपने बयान बदल रहे हैं और वो लगातार झूठ भी बोल रहे हैं। ऐसे में इस बात पे जो अब आखिरी बार उन्होंने जो बातें कही हैं उस पर पूरे पुख्ता तौर पर यकीन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये जानकारी दी है, एक ने ये जानकारी दी है कि उसके खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था, एक जो दूसरा हमलावर है उसके खिलाफ हत्या से जुड़ा हुआ कोई मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये लोग, इनमें से कम दो लोग ऐसे हैं जो पहले भी जेल जा चुके हैं और जेल जाने के दौरान ही इनका आपस में संपर्क हुआ था और वहीं पर इन्होंने ये प्लानिंग रची थी कि अगर हमें अपराध की दुनिया में रहना है तो हमें बड़ा डॉन बनना पड़ेगा और हमें किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना पड़ेगा। और जब टीवी चैनल्स पर मीडिया में ये खबर आई थी कि अतीक और अशरफ को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, पुलिस कस्टडी रिमांड मिल सकती है, तो उसी दिन इन लोगों ने तय कर लिया था कि हम प्रयागराज जाएंगे, अतीक और अशरफ की हत्या करेंगे और जब हम अतीक और अशरफ जैसे चर्चित लोगों की हत्या करेंगे तो हम बड़े बदमाशों में शुमार हो जाएंगे, बड़े अपराधियों में शुमार हो जाएंगे, हम डॉन बन जाएंगे, अतीक और अशरफ जैसा हमारा भी रसूख हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है। ठीक है मोइन, डॉन बनना चाहते थे, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि इसके पहले कुछ और बयान, अभी कुछ और बातें, तो बयान लगातार बदले जा रहे हैं। किस बयान पर भरोसा किया जाए, किस बात को सही माना जाए, किस बात को ठोस माना जाए, इसको लेकर संशय बना हुआ है। अब ये तीनों अलग अलग जगहों से आते हैं, बांदा से, हमीरपुर से, कासगंज से, तीनों डॉन बनने का इरादा रखते थे, अब वो पुलिस को बता रहे हैं। उनमें से दो पर मामले दर्ज हैं, जेल जा चुके हैं, ये भी बात अब सामने आ रही है, एक पर हत्या का, दूसरे पर लूट का मामला दर्ज है और डॉन बनने की ख्वाहिश में उन्होंने दो बाहुबली और माफिया लोगों का पुलिस कस्टडी में कत्ल किया कल रात को। अब ये नई बात निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।